इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गणेश भगवान की बहुत ही पसंदीदा प्रसाद मोदक की रेसिपी। तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर मोदक हर घर में बनाया जाता है और मोदक कई फ्लेवर के बनाए जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे कोकोनट मोदक। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी प्रसाद बन करके तैयार होता है। तो मैं हूँ सोमा, आपका स्वागत है सोमास किचन में। तो चलिए आज की मजेदार मोदक की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा। ये होममेड डेसिकेटेड कोकोनट है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल में है, आप चाहे तो आई बटन में क्लिक कर सकते हैं। साथ में हम लेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। तो 1.5 कप नारियल के बुरादा के लिए 1/4 कप मिल्क पाउडर लेंगे। तो अभी तक हम गैस ऑन नहीं किए थे, मिल्क पाउडर और नारियल के बुरादे ऐड करने के बाद हम गैस को ऑन करेंगे और गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे हम 1 मिनट तक भून लेंगे। तो 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मिल्क। तो बॉईल किया हुआ मिल्क को रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें, उसके बाद इसमें ऐड करें। तो एक बार में सारे मिल्क को ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अब मिल्क ऐड करने के बाद इसे 1 मिनट तक लो आंच पे पका लेंगे। तो 1 मिनट बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप चीनी। आप चीनी को अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चीनी को। अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे से ड्राई होके डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो गैस के फ्लेम को हम मीडियम टू लो ही रखेंगे और चीनी ऐड करने के बाद इस मिक्सचर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लग रहा है, तो इस सारे मॉइस्चर को हमें अच्छे से ड्राई कर लेना है। अगर मिक्सचर गीला रहेगा तो मोदक को बाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें, इसे अच्छे से ड्राई करें। जब चीनी और दूध हल्का ड्राई हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैं काजू और आलमंड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 5 से 6 काजू और 4 से 5 आलमंड को मैं अच्छे से चॉप कर ली हूँ। आप अपने मन पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिक्सचर धीरे धीरे ड्राई हो रहा है तो आप इसे मीडियम या फिर लो आंच पे पकाते रहें। इससे जो है मिक्सचर बहुत ही अच्छे से पक के तैयार होता है। अगर हाई फ्लेम पे रखेंगे तो बहुत ही जल्दी दूध और चीनी ड्राई हो जाएगा और मिक्सचर भी अच्छे से नहीं पकेगा। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर लगभग ड्राई हो चुका है। जब मिक्सचर इस तरह के कंसिस्टेंसी में आ जाए तो इस मिक्सचर के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून घी। तो घी से मोदक में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर को हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो मिक्सचर बहुत ही अच्छे से ड्राई होके डो के फॉर्म में आ चुका है। तो इस तरह का कंसिस्टेंसी आपको रखना है। तो लगभग इस मिक्सचर को बनाने के लिए 10 से 15 मिनट ही लगता है। तो अब हम गैस से इसे हटा लेंगे और एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो जैसे नारियल के लड्डू बनाने के लिए मिक्सचर को हम जितना ठंडा करते हैं बस इसे भी उतना ही ठंडा कर लेना है। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसका हम मोदक बना के तैयार करेंगे। तो मिक्सचर हमारा हल्का ठंडा हो चुका है। तब मोदक का शेप देने के लिए मैं ये मोदक मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मोल्ड आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा और ऑनलाइन भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब मोल्ड में हम अच्छे से घी अप्लाई करेंगे ताकि मोदक का शेप अच्छा बने और आसानी से इस मोल्ड से बाहर आ जाए। अब इस तरह थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके मोल्ड को अच्छे से भर लेंगे। तो मोल्ड के दोनों साइड हम मिक्सचर रखेंगे, तो जितना ज्यादा मिक्सचर रहेगा मोदक का शेप उतना अच्छा आता है। अगर आपके पास मोदक मोल्ड ना हो तो आप इसे हाथ से भी मोदक का शेप दे सकते हैं या फिर इस मिक्सचर का आप लड्डू भी बना सकते हैं। अब मोल्ड को बंद कर ले। अब एक्स्ट्रा मिक्सचर को इस तरह हटा लेंगे और नीचे से भी अच्छे से प्रेस कर ले। तो ये हमारा पहला मोदक बन करके तैयार है। तो बहुत ही अच्छा डिजाइन का मोदक बन करके तैयार है। तो इसी तरह हम सारे मोदक को तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी कोकोनट मोदक बन करके तैयार है जो गणपति बप्पा के प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तो देखा आपने इसे बनाना कितना इजी है और बहुत ही कम टाइम में आप बना के तैयार कर सकते हैं। और इस गणेश चतुर्थी इस मोदक की रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये मोदक की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ इस मोदक की रेसिपी आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।